डॉक्टर साहब थोड़ा सर बड़ी बड़ी मुबारक है टीकू खान साहब को, बड़ी मुबारक बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसको सामने रखकर काम कर। और जम्मू कश्मीर के अंदर इन तीन परिवारों ने अपने परिवारवाद को जिंदा रखने के लिए, अपना घर भरने के लिए भ्रष्टाचार किया, भाई भाई को लड़ाया। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब ये तीन खानदान मुफ्ती अब्दुल्ला गांधी में, ये तीन खानदान जिन्होंने शाही दवाखाना की तरह परमानेंट सोच रखा था, एक बार मुफ्ती साहब एक बार अब्दुल्ला साहब, फिर कभी कांग्रेस उनके साथ कभी कांग्रेस इनके साथ, तुम मेरे को बचा लेना मैं तेरे को बचा लूंगा, तुम मेरे को लूट ले मैं उसको लूट ले वो उसको लूट ले। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खानदानी राज परिवारवाद, मेरा बेटा मेरे बेटे का बेटा, बेटे का बेटे का बेटा, उसकी बेटी उसका बेटा, ये परिवार नहीं जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करेगा। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक, जम्मू कश्मीर का आम नागरिक जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करेगा, जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करेगा। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो मेंढर का इलाका है, वहां के चुने हुए डीडीसी के मेंबर, जो कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिवार से वाबस्ता है, उस सारे एरिया में जिनका बहुत बड़ा हमेशा सोशल कामों में जिनका रोल रहता है, जो लोगों की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, जिनके दिल में लोगों के लिए दर्द दिल है और खिदमत खलक का जज्बा लेकर काम करने वाले डीडीसी मेंबर जनाब सरदार वाजिद बशीर खान साहब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो कि पहाड़ी कबीले के एक तेज तरार युवा लीडर है। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब 4 अक्टूबर को हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अहमद शाह साहब रजौरी के अंदर रैली करने आए, पुंछ और मेंढर से पैदल हजारों की तादाद में काफला लेकर जनाब डीडीसी मेंबर वाजिद बशीर खान, जिनको प्यार से सरदार टीकू खान कहते हैं, ये वहां से निकले थे और पैदल पैदल लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रजौरी की उस रैली में पहुंचे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर्स श्रीमान तरुण चुग साहब, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, और साथ ही साथ श्रीमान दलीप सैकिया जी, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी हो, सत शर्मा जी हो, देवेंद्र सिंह राणा जी हो, श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, सुरजीत सिंह सरातिया जी और डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी से गुजारिश करता हूं फूल माला डालकर
जनाब टीकू खान साहब को भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करें। जोरदार तालियों के साथ। और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह साहब और मंच पर जो भी हजरात बैठे हैं और यहाँ मेरे साथ तशरीफ फरमा पेंच जो भी करीम मेंटर की आई है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। रविंदर राणा साहब हमारा आपसे कमिटमेंट था कि हम अपने लोगों के साथ इस जमात में शामिल होंगे और इंशाल्लाह हमने वो वादा पूरा किया। अभी हमारी जो 30 साल पुरानी फाइल जो दबी हुई थी वो आपने प्लेटफार्म पर लाई और हमारी जो वकालत दिल्ली में जाके की हमारे पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ कि ये लोग अच्छे दराज से दबे कुचले हुए लोग थे और तीन जमातों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस